देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा है अपना 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न पर टिप्पणी लिखनी है अपन को या निम्न के बारे में बताना है कि कौन क्या है। ठीक है, ध्यान से देखें समझें इसको। तो पहले से अपन इसको जानते हैं, विकल्पों में जी आता भी है कि जिसमें गुणसूत्र सिंगल एन के रूप में होता है वो कौन सा होता है बेटा, गुणित होता है, और 2n के रूप में जो होता है वो कौन कहलाता है बेटा, द्वि गुणित होता है। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कि निम्न पुष्पीय पादप के बारे भाग के बारे में बताइए, पौधों के जो भाग होते हैं पार्स होते हैं उनके बारे में बताइए कि कौन आगुणित है और कौन द्वि गुणित है। ठीक है ना, तो पौधे में अपन ने देखी है जड़ें तना पत्तियाँ पुष्प वगैरह होते हैं। ठीक है ना, जब पुष्प के अंदर जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, उस पुष्प का नर भाग मिलता है और उसका मादा वाला भाग मिलता है। ठीक है ना, उसके बारे में जो बताया गया है तो जो मादा भाग होता है उसमें ओवरी होती है, अंडाशय होता है। वो अंडाशय कैसा होता है बेटा, 2n होता है, द्वि गुणित होता है, और उस अंडाशय के अंदर ओवरी के अंदर पाया जाता है बेटा क्या, एग पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा, एग। ठीक है ना, तो जो अंडाशय है ये तो द्विगुणित है लेकिन इसके अंदर होता है एग। क्या होता है बेटा, एग होता है, उसको क्या बोलते हैं, अंडो का डिम्ब या एग लार्वा या एग बोल सकते हैं। वो कैसा होता है बेटा, सिंगल एन या आगुणित होता है। ठीक है ना, पुष्प में देखें तो पुष्प के बारे में जानते तो हैं कि बना के बताऊं, पुष्प देखा है अपन ने, और पुष्प में छोटा सा चलो हम बनाए देते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे, ये अपना क्या है बेटा, पुष्प वाला भाग है। ठीक है ना, कौन है बेटा, ये पुष्प होता है और यहाँ पे देखे होंगे ये नर वाले भाग होते हैं। ठीक है ना, तो ये जो पूरा हिस्सा होता है ये कौन होता है बेटा, ओवरी होती है, अंडाशय होता है, और इस अंडाशय के अंदर पाया जाता है बेटा एग। क्या पाया जाता, तो एग कैसा होता है बेटा, आगुणित होता है, और ओवरी कैसी होती है बेटा, द्वि गुणित होती है। दो बातें समझ में आई कि नहीं आई। तीसरी देखें, ये नर वाला भाग कहलाता है बेटा, इसको बोलते हैं पराग कोष। क्या बोला जाता, पराग कोष बोला जाता है। ठीक है ना, इंग्लिश में इसको पॉलन सैक कहते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलन सैक। तो इसमें देखें ये है दूसरा पॉइंट है पराग कोष, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉलन सैक। तो ये कैसा होता है बेटा, द्वि गुणित होता है, 2n होता है। ठीक है ना, जहाँ से नर वाले भाग बनते हैं या पराग कण बनते हैं। ठीक है ना, तो कहाँ से बन रहा है बेटा, पराग कोष से बन रहा है। तो पराग कोष कैसा है, 2n है, और पराग कोष के अंदर बनते हैं बेटा पराग कण। क्या बनते हैं बेटा, पराग कण। क्या बनते हैं, पराग कण बनते हैं। ठीक है ना, या इसी को अपन पराग बोल सकते हैं, इंग्लिश में इसको पॉलन बोलते हैं, या पराग कण बोलेंगे, इंग्लिश में इसको पॉलन ग्रेन बोलते हैं। ठीक है ना, ये कैसा होगा बेटा, सिंगल एन होगा। समझ में आ रहा है, चार चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई। नर वाले भाग का नाम है पराग कोष, तो ये कैसा होगा, 2n होगा, इसके अंदर बनेंगे पराग कण बनेंगे, पराग कण कैसे होंगे बेटा, सिंगल एन होंगे। ओवरी कैसी है बेटा, 2n है, इसके अंदर क्या है, एग है, तो एग कैसा है बेटा, सिंगल एन है, आगुणित है। चार बातें समझ में आई। अगला देखें, नर युग्मक, किसकी बात चल रही है, नर युग्मक, इसको बोला जाता मेल गैमेट, ये कैसा होगा बेटा, सिंगल एन आगुणित होगा। ठीक है ना, और लास्ट में है युग्मनज। अब युग्मनज कैसे बनता बेटा, युग्मनज कैसे बनता है, जब मेल और फीमेल गैमेट मिल जाते हैं तो किसका निर्माण होता है, युग्मनज का। तो मेल गैमेट क्या है, सिंगल एन, फीमेल गैमेट क्या है, सिंगल एन, और सिंगल सिंगल आपस में मिल जाते हैं तो 2n बन जाता, मीन्स युग्मनज, इंग्लिश में बोलते जाइगोट, तो ये कैसा रहेगा, द्विगुणित या 2n रहेगा। नहीं आया, क्लियर हुआ। नेक्स्ट, ये अपने जो सिंगल एन और 2n के बारे में बताया गया, अब अपन को बताना है इसी से मिलता जुलता दो शॉर्ट नोट्स हैं अपने। ठीक है ना, कुछ नोट्स बताए गए हैं उसको ध्यान से देखें, ये पेपर में आता भी है। आप लोगों ने देखा होगा कि किसी किसी जीव से
अंडे पैदा होते हैं और किसी किसी से बच्चे पैदा होते हैं। नहीं समझ में आया? किसी जीव से अंडे पैदा होते हैं और किसी से क्या होते बेटा, सीधे के सीधे बच्चे पैदा होते हैं। समझना, अब जो अंडे हैं उसमें भी जायगोट बढ़ रहा, और दूसरा जे जंतुओं को देखा जाए जिससे बच्चे पैदा हो रहे हैं उसमें भी जायगोट बढ़ रहा। अब अंतर इतना सा होता है, बोर्ड पर ध्यान से देखें। जब मैंने मेल की बात की, मेल और एक कौन है बेटा, फीमेल है। ध्यान से समझना, बहुत गहराई से बताया जा रहा। मेल से क्या बन रहे हैं बेटा, मेल गैमेट। क्या बन रहे हैं? मेल गैमेट। इसका नाम बताओ, स्पर्म होता है। फीमेल गैमेट का नाम बताओ, ओवा होता है। ये दोनों मिलते हैं तो जायगोट बनता बेटा, और जायगोट आगे विकास करता तो एम्ब्रियो बनता, एम्ब्रियो से आगे चाइल्ड का निर्माण होता है। ध्यान से समझना, जब ये जायगोट बना, कौन बना बेटा, जायगोट। जब जिस जीव में जायगोट का विकास, किसी किसी में जायगोट का विकास शरीर के अंदर होता और किसी में बाहर होता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ठीक है, जिसमें जो कंप्लीट विकास होता है वो कहाँ हो जाएगा बेटा, जायगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से चाइल्ड बन रहा। तो ये जो एम्ब्रियो जायगोट हैं इनका विकास शरीर के बाहर होता है, किन्हीं जीवों में शरीर के बाहर होता है, ठीक है ना। तो उन्हें बोला जाता अंडप्रजक। क्या बोला जाता है? जिनमें इनका विकास कहाँ हो रहा, बाहर होता है, तो अंडप्रजक कहलाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें इनका विकास अंदर होता है, फीमेल के अंदर होता है, उसको क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है उसको, जो सजीव प्रजक, सजीव का पूरा निर्माण हो रहा, इसलिए उसका नाम क्या रखा जाए, सजीव प्रजक। तो दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, अंडप्रजक, सजीव प्रजक। अंडप्रजक में बाहर होता है और सजीव प्रजक में शरीर के अंदर होता है। शरीर के अंदर पूरा विकास हो गया, हो जाएगा, फिर बच्चे का जन्म होगा, ठीक है ना। अब इसको अपन देख लेते हैं नोट्स में क्या लिखवाया गया है, ठीक है, ध्यान से देखें। तो अंडप्रजक क्या कहलाता है बोलो, जिसमें विकास शरीर के बाहर होता है। देखो, यदि जायगोट या युग्मनज का विकास मादा शरीर के बाहर होता है, कहाँ होता बेटा, मादा शरीर के बाहर होता है। जैसे अंडे दिया तो किसने दिया, मादे ने तो दिया, तो ये अंडे का विकास कहाँ होगा, बाहर होगा। एक एग्जांपल बताऊँ, जैसे मान लीजिए आप लोग क्या करना, किसी जीव ने, पक्षी ने अंडा दिया और तुरंत बाद उसको फोड़ देना, तो उसमें पानी पानी निकलेगा, बच्चा नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि उसका विकास तो नहीं ना हो पाया, अब उसका विकास होना था, विकास होना था, और उसमें अपने उसको बेकार कर दिया है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? विकास होगा इसके बाद में, वो चूजा बनेगा उसका, ठीक है। तो यदि जायगोट या युग्मनज का विकास मादा शरीर के बाहर होता है तो उसे ओवीपेरस, क्या बोलते उसको, ओवीपेरस या अंडप्रजक कहते हैं, या अंडे देते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ओवीपेरस कहलाते हैं। शॉर्ट में कह सकते हैं, बेजंतु जो या बेजीव जो अंडे देते हैं वो कौन कहलाते हैं, ओवीपेरस कहलाते हैं। या जिनमें जायगोट का विकास मादा शरीर के बाहर होता है उसे हम ओवीपेरस या अंडप्रजक कहते हैं। सेकेंड, यदि जायगोट या युग्मनज का विकास मादा शरीर के अंदर होता है या बच्चों को जन्म देते हैं, बेटा किसको देते हैं, बच्चों को जन्म क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उनका विकास शरीर के अंदर कंप्लीट होता है, कहाँ होता है, शरीर के अंदर विकास कंप्लीट होता है। जब विकास पूरा हो जाता है तो क्या होता है, बच्चे का जन्म होता है, ठीक है ना। तो उन्हें क्या बोला जाता है, बीबी पेरस, ऐसे याद कर लेना, बेबी, बेबी माने बच्चे, जो बच्चों को जन्म देते हैं वो कौन से कहलाते हैं, बीबी पेरस, या उसको क्या बोला जाता है हिंदी में, सजीव प्रजक कहते हैं। बन जाएगा, नहीं समझ में आया? तो जो बच्चों को जन्म देते हैं वे कौन से हैं, बीबी पेरस, और जो अंडों को जन्म देते हैं वो कौन है, ओवी पेरस है। बन जाएगा, और जिनमें टू एन हैं वो कौन है बेटा, द्विगुणित, जिसमें सिंगल एन है वो कौन है, आकुरित है।